अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम लोग आए हुए हैं ये टॉप सिटी में, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है द सॉलिटायर, जो कि बेसिकली प्योर होटल है। यहाँ पे होटल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उनकी डिटेल से आप बताएंगे। और ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि होटल जो होते हैं वो पर डे रेंट पर जो है वो लगाए जाते हैं, पाकिस्तान में भी और बल्कि दुनिया में भी। और ये 5-स्टार होटल बनने जा रहा है यहाँ पर, जिसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5% है। आपको इसकी डिटेल बताएंगे। ये वो सामने जो है वो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी डिटेल आपको बताते हैं। तो हम आपको ये दिखाते हैं, ये मेन डबल रोड पर बन रहे हैं और यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड एक बड़ा ही फेमस होटल है गोल्डन ट्यूलिप, वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे। विद इन 2 ईयर्स इसकी कंप्लीशन हो जाएगी। मई 2024 में ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन चुका होगा जी। अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से काम जारी है। आपको इस प्रोजेक्ट में सबसे अच्छी बात क्या लगी है सर? सबसे अच्छी बात और प्लस पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल एयरपोर्ट से मुतसिल है, सही 5 मिनट ड्राइव पे है। और ये जो पूरा एयर बेल्ट आपको नज़र आ रही है ना, ये सारे मतलब होटल्स बनेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह स्टार्ट इनका होगा, तो सबसे बेहतर प्रोजेक्ट यही होगा इंशाल्लाह यहाँ का, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा, पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर होगा। ज़बरदस्त, ठीक हुए भाई जान। ठीक। दूसरा ये है कि बिल्कुल रोड के साथ लगा हुआ है, मतलब 5 मिनट की मसाफत पे एयरपोर्ट है बस। ज़बरदस्त, जैसे इंटरनल विजिटर आ रही है, पैसेंजर आ रही है, मतलब यू आई पीज आ रही है, तो उसके लिए ये बिल्कुल ईजी होगा, एक्सेस इसकी बहुत ईजी है, इसी वजह से ये बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि इन लोगों के जो सेवन वालों का जो सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्वान्टिटी का ख्याल रखते हैं ना, तो सबसे बुनियादी चीज़ ये भी है। फिर इसके डिलीवरी में आसानी है बनस्बत दूसरे प्रोजेक्ट के, जो अमाउंट आप फर्ज करें इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करें उसका डिलीवर करना आसान है, इसका प्रोसेस इन लोगों का बेहतर है। यहाँ पर मेरा चक्कर लगा था कोई 4-1 महीने पहले, तो ये उस वक्त ग्राउंड से ऊपर आ रहे थे। अभी ये काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, यहाँ पर लेबर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसकी अगर बात की जाए तो टू फ्लोर्स हैं जो कि बन रहे हैं पार्किंग के लिए, और बाकी जो है 5th-5th floor तक इसकी फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें स्पा है, मस्जिद है, और जो भी एक लग्जरी 5-स्टार होटल में होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ होंगी। आप देख लें साइट, दूसरी साइड पे मैं आ चुका हूँ इसके, ये आप देखें काफ़ी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर। ये पार्किंग है नीचे की तरफ, आप देख लें ये पार्किंग की तरफ जा रही है, और इनका कैसे वर्क हो रहा है ये आप चेक कर लो। हाँ जी साहब, कैसा लग रहा है प्रोजेक्ट? ज़बरदस्त है ना? ये भी माशाल्लाह जी, ये सामने लिफ्ट्स बन चुकी हैं जी सामने,
और ये सारा आप देख लें, काम तेज़ी से जारी है। ये देख लीजिए, आपको मैंने कहा ज़रा अंदर जाकर काम की पोजीशन समझाएं, आप देख लीजिए किस तरह का काम हो रहा है यहाँ पर। और ये मेन डबल रोड है सामने, और दूसरी साइड पे भी मेन डबल रोड है। लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है। क्या नाम भाई का? सुहेल भाई हमें समझाएंगे जी, ये क्या चीज़ है जी? ये ग्राउंड फ्लोर है, रिसेप्शन एरिया। अच्छा, कैफेटेरिया वगैरह। अच्छा, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। यहाँ पे ऑफिस होंगे जी, उसके ऊपर जो है वो फिर कम्युनिटीज़ हैं जो, और वो स्विमिंग पूल और वो सारी चीज़ें, माशाल्लाह जी। और नीचे नीचे दो बेसमेंट हैं, नीचे दो बेसमेंट हैं, वो दोनों कार पार्किंग के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आगे आपको बेसमेंट भी दिखाते हैं, यहाँ पर कैसा कैसा जो है काम हो रहा है। ये बेसमेंट है, ये नीचे आपको एक बेसमेंट नज़र आ रही है, उसके नीचे दूसरी आ रही है, दोनों बेसमेंट हैं यहाँ पर। ये बेसिकली होटल अपार्टमेंट हैं, और होटल अपार्टमेंट में ये डेली बेस पे रेंटल पर्पस के लिए यूज़ होंगे। जो भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको पे बैक जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट है, आप ROI इधर अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में सरीना है, सरीना के साथ साथ मैरियट है, वहाँ पे लोग ठहरते हैं, लेकिन ये क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है तो इस वजह से ये लोगों के लिए ज़्यादा सिक्योर होगा बनिस्बत मैरियट और सरीना के। और ये मैरियट और सरीना से ज़्यादा लग्जरी और हाई क्लास इसलिए बन रहा है क्योंकि ये इसको गोल्डन ट्यूलिप अपने अंदाज़ में बनवा रहा है। आप गूगल कर सकते हैं गोल्डन ट्यूलिप के कितने जो कितना अच्छा ब्रांड है, और यूरोप में जो होटल की उनकी चैन है वो भी आप देख सकते हैं, 130 मिलियन से ज़्यादा उनके लोग जो ट्रैवल करते हैं, एयरलाइंस से भी उनके काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा और हाई क्लास प्रोजेक्ट बन रहा है टॉप सिटी में, जिसे J7 ही ओन कर रहा है, और J7 सॉलिटायर के नाम से है, और इनकी गोल्डन ट्यूलिप के साथ हो चुकी है साइनिंग सेरेमनी हो चुकी है, और गोल्डन ट्यूलिप की मैनेजमेंट ने यहाँ पर विज़िट करके इनको बताया है कि इस तरह अंदाज़ में बनाना है। तो ये उसी अंदाज़ में बन रहा है, May 2024 में ये ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो जाएगा। आज बेसिकली हम यहाँ पर आए थे विज़िट करने के लिए, और यहाँ पर हमें लोगों ने काफ़ी अच्छा विज़िट कराया इनकी टीम ने, और बड़ा अच्छा ये प्रोजेक्ट लग रहा है। अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और इंशाल्लाह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे हिसाब से जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जो चाहते हैं कि उनका मंथली इनकम अच्छा है, तो यहाँ पर तकरीबन जो सबसे छोटा फ्लैट है और फुली फर्निश्ड है वो तकरीबन इस वक्त जो उसकी कीमत है वो 2.5 करोड़ है, और जो कि इंस्टॉलमेंट में देनी है, वो सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। और जो बाकी है ना, आप जो उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 2.5 करोड़ है, लेकिन 2 ईयर्स के बाद बकौल इनके, क्योंकि 25,000 पर स्क्वायर फीट से ये शुरू हुआ था और अभी 45,000 पर स्क्वायर फीट पर चला गया, और इनके ख्याल है कि आफ्टर 2 ईयर्स ये 80,000 पर स्क्वायर फीट पर चला जाएगा। तो इस लिहाज से ये बड़ा ही अच्छा प्रोजेक्ट है, और आप अगर चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो लाजमी यहाँ पर आप इन्वेस्ट करें। ये इनके सारे काफ़ी ज़्यादा सारा बड़ा सा एग्रीमेंट होता है, उसके बाद हर चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर होती है, और J7 एक बड़ा एतमाद का नाम है। तो उम्मीद है आपको ये आज का विज़िट जो अच्छा पसंद आया होगा। मिलेंगे आपको समझ नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए हाफिज़।